हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। और जो आज का मेथड है, कई मेथड होते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, हम आज का मेथड जो देख रहे हैं वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे ट्रायल एरर मेथड को। ठीक है, जनरली सबसे पहले तो हम ये समझें कि बैलेंस और जो अनबैलेंस है ये क्या है और क्यों हम बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया मैग्नीशियम, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और यहां बन गया Mg। ठीक है ना, हमने ये जाना है कि ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, और एक लॉ होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उनका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, या आप ये कह दीजिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन वर्क करती है। जैसे अब यहां मैग्नीशियम है, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन है। हम इनका यदि मास की बात करें, जैसे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जनरली 16, लेकिन 2 है इसलिए 32 हो गया, ये 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अब जो यहां पे आना चाहिए वो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यदि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो अभी करके देखते हैं। पहले मैग्नीशियम का कितना है टोटल, यहां पे आपने देखा 24 प्लस 16। ठीक है, यदि इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। ठीक है, और हम इधर का यदि प्लस करें तो 426 एंड 325, 56 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां पे ये आ रहा है 426 एंड 325, 56 ग्राम आ रहा। ठीक है, और यहां पे 16 फोर 20 40 ग्राम। ठीक है, तो इनका जो मास है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और यदि कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये जो रिएक्शन है ये सही नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इस जो इक्वेशन है इसको अनबैलेंस्ड भी कहते हैं या स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह से इसको बैलेंस करना होता है कि इनका जो मास आ रहा है वो दोनों साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलिए बैलेंस करना सीखते हैं कि जनरली कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, हमें क्या करना है, जैसे ये पूरा पार्ट क्या होता है रिएक्टेंट, और ये क्या पार्ट होता है प्रोडक्ट। तो यहां पे आप इस तरह आर लिख सकते हैं, यहां पी लिख सकते हैं, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में उन्हें उन्हीं साइड लिख लेना। जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या है, एक एमजी है और एक ऑक्सीजन है, इस तरह से लिख लीजिए, वही सेम इधर भी होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे कुछ और हो, यहां पे कुछ और हो, हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एलिमेंट सेम होंगे, केवल उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस होते हैं। ठीक है, और मास ऑफ कंजर्वेशन में एक ये भी है कि दोनों साइड का नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी अपने आप मास भी इक्वल होगा। चलिए लिख लीजिए, यहां मैग्नीशियम कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने आर ओ पी लिखा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अलग अलग कर लिया, आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर सभी एलिमेंट्स को आपने इस तरह लिख लिया। दूसरा जो स्टेप होगा, जितने भी नंबर ऑफ आपको आइटम यहां पे दिख रहे हैं उनको यहां पे नोट कर दीजिए। मैग्नीशियम कितना है 1 है, 1 लिख दिया, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2 है, 2 लिख दिया, इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि हमें इनको बैलेंस करना, बैलेंस करने का एक छोटा सा रूल होता है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बैलेंस करने का रूल ये कहता है कि सबसे पहले पूरे जो भी रिएक्शन है होगा क्या, इसमें मेटल होगा नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा हमें सबसे पहले किसको फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करना है, मेटल को करना है, और फिर सेकंड स्टेप में आपको नॉन मेटल को करना है। ठीक है, नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाए तब आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थोड़ा सा ट्रिकी होता है तो उनको सबसे लास्ट में करो। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं मेटल कौन सा, ऑक्सीजन है तो हम मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम यहां पे एक है, इधर भी एक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेटल तो बैलेंस है। ठीक है, नॉन मेटल यहां पे ऑक्सीजन की बारी आ गई। ठीक है, उसमें भी वही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यदि हम देखें तो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है 1 है, अब इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कहीं नीचे नंबर नहीं लगा सकते, जैसे ओ है तो यहां ओ टू नहीं, यहां एमजी है तो एमजी टू नहीं होगा। ठीक है, जब भी नंबर लगेंगे यहां पे लगेंगे,
मतलब उसके बगल में लगेगी। कभी भी बैलेंस करते समय किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का वही फॉर्मूला ही है, तो हम इसे तो यहां 2 लगा देंगे तो MgO2 गलत हो जाएगा। तो हमें इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना होगा, यहां पे 2 लगाना होगा, क्योंकि यही एक चांस है और कोई रास्ता नहीं है। तो आपने इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा दिया। अच्छा, अब ये जो 2 है ये दोनों पे वर्क करता है। दोनों पे वर्क कैसे करता है, यहां एक छोटा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कॉमन बहुत लिया होगा, जैसे 2x प्लस 2y दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों में 2 कॉमन है, तब 2 बाहर ले लेते हो और x प्लस वाई लिख देते हो। अब ये 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, दोनों के साथ होगा, 2 के साथ भी और y के साथ भी, और तब ये 2x प्लस 2y आएगा। ठीक, सेम वही चीज यहां भी है कि जैसे मान लीजिए 2mgO है तो 2mg के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ। तो जब इस तरह कंडीशन आएगी तो होगा क्या, मैग्नीशियम भी आपका कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम भी आपका 2 हो जाएगा, और जो आपका ऑक्सीजन है ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज जो ये स्टेप आपको फॉलो करने से, एक चीज ध्यान, मेटल बैलेंस करो, नॉन मेटल बैलेंस करो, ठीक है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर से वापस फिर जाओ, फिर चेक करो। तो हमने बैलेंस तो कर लिया जो हमें जरूरत थी, लेकिन एक बार हमें इसे वापस रीचेक करना है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, वेरी गुड, लेकिन फिर से मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। यहां मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम यहां पे 2 है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई वहां पे भी होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम यहां पे 2 है, हमें यहां मैग्नीशियम को 2 कर देना। तो मैग्नीशियम नीचे नंबर लगा नहीं सकते, आप यहां 2 लगा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक एक स्टेप्स है उनको फॉलो करना होता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, जिनसे क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब ये पार्ट पूरा आपका रिएक्टेंट और ये पार्ट आपका प्रोडक्ट। यहां पे पहला स्टेप R, यहां पे ऐसे P लिख दीजिए, बीच में एक लाइन कर दीजिए। ठीक, अब जो भी एलिमेंट है इधर लिख दो, इधर नाइट्रोजन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन है, सेम इधर भी, इधर नाइट्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हमें सबसे पहला काम होता है मेटल को ढूंढे, क्योंकि पहले मेटल बैलेंस करेंगे, लेकिन यहां मेटल तो कोई है नहीं, बड़ी अच्छी बात है। नॉन मेटल की बात करें तो नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, देख लेते हैं, अब इधर नाइट्रोजन कितना था, 2, और इधर नाइट्रोजन है 1। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। तो अब इस ये जो नाइट्रोजन 2 है, यहां पे 1 है, तो बड़ा इजी होगा, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को नाइट्रोजन को 2 कर देना। लेकिन हम यहां इसका फॉर्मूला नहीं डिस्टर्ब करेंगे, नीचे N2 नहीं कर सकते हैं, तो हम इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम यहां पे एक 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अपने आप यहां नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, बहुत सही, हमारा दोनों नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन समस्या ये आ गई कि अब हाइड्रोजन, क्योंकि दोबारा हमें फिर से चेक करना होता है, जब आपने चेक किया तो आपको लगा अरे हाइड्रोजन तो यहां पे 6 हो गया, बड़ी समस्या आ गई, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अब हमें यहां पे इसको 6 कर देना होगा। अब ये हाइड्रोजन तो 6 हो गया, इस प्रोडक्ट से हमारा ये नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 6 इधर 2 हो गया। अब हमें इसको कितना बनाना है, इसको 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हाइड्रोजन कब होगा, यहां हम 2 काट के 6 नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूल का, H2 है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे कुछ ऐसा नंबर रखना होगा जिससे हाइड्रोजन 6 हो जाए। तो नंबर कौन सा है, 3, क्योंकि 3 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ट्रायल और एरर मेथड होता है, यानी इसका नाम भी इसीलिए दिया गया कि एक बार हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन सा नंबर सेट होगा, हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए। जैसे मान लो नाइट्रोजन को आपने बैलेंस किया, आपने ट्रायल दिया, लेकिन फिर भी एरर आ गई, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे चेंज हो गया। तो ट्रायल और एरर मेथड से चलेंगे, तो बार बार हम इसको ट्राई करेंगे, फिर अल्टीमेटली जो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रायल और एरर मेथड पे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और भी मेथड होता है जो वेरिएबल मेथड होता है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।